हेलो दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक जो है ब्लड रिलेशन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं। दोस्तों, आज के बाद इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपको कहीं प्रश्न अगर डाउट होता होगा तो इस वीडियो से आप सभी को प्रश्न आज के बाद से डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों, चलिए हम आते हैं टॉपिक पे जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात को समझना है। ब्लड रिलेशन तो हम लोग सब पहले से शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि ब्लड रिलेशन क्या है। जहाँ खून की संबंध हो यानी रक्त की संबंध हो, वही ब्लड रिलेशन है। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन जो है, सबसे पहले मैं यहाँ मान लेते हैं कि मैं है, यानी कोई व्यक्ति हो, उस व्यक्ति अपना से तुलना करेगा तो अपना लेवल में यानी अपना पीढ़ी में यानी अपना लेवल या अपना पीढ़ी में ज़रा सोच कर देखिए कौन कौन सी आ सकता है। जैसे में मान लीजिए कि हम यहाँ पे हैं, मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई तो मेरे ही लेवल में आएंगे, मेरा जो बहन होगी वो भी मेरे लेवल में आएगी, अच्छा जीजा दीदी ये सब तो मेरे लेवल में आएंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ये व्यक्ति का भाई इसी के लेवल में आएगा, बहन इसी के लेवल में आएगा यानी कि इसी के पीढ़ी में आएगा, फिर देखिए भाभी इसी के पीढ़ी में आएगा, जीजा चचेरा भाई, उसके बाद जीजा चचेरा भाई, साली साला ये सब डैश डैश इसी के लेवल में आएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने से एक लेवल ऊपर यानी एक स्टेप ऊपर यानी एक पीढ़ी ऊपर ज़रा सोच कर देखिए कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन व्यक्ति आएंगे। देखिए तो दोस्तों, हम यहाँ पे मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे है, इस व्यक्ति का एक पीढ़ी ऊपर जो है तो पिता आ जाएंगे, माँ आ जाएगी, चाचा आ जाएंगे, चाची आएगी, मामा आएंगे, मामी मौसा मौसी बुआ यानी फुआ फूफा ये सब जो है डैश डैश इसी के लेवल में आएंगे। ठीक, उसके बाद एक स्टेप यानी एक पीढ़ी तो ऊपर बढ़े, फिर उससे एक पीढ़ी और ऊपर जाते हैं यानी अपने से दो पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो एक पीढ़ी तो पिताजी होंगे, और एक पीढ़ी और बढ़िएगा दूसरा पीढ़ी में जाइएगा तो दादाजी आ जाएंगे, दादाजी दादी नाना नानी डैश 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 यानी इटीसी और सारे व्यक्ति आ सकते हैं इसके लेवल में। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह अगर आपको ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर जाना है, अगला पीढ़ी में जाना है तो आपको ऊपर की ओर तीर देना है। अगर अपने से नीचे की ओर आना है, एक पीढ़ी नीचे आना है तो नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ तो हमने अथी कर दिए, बेस बना लिए अपना, उसके बाद इस पीढ़ी से नीचे आना है तो बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी डैश डैश डैश। ठीक है दोस्तों, अगर दो पीढ़ी नीचे आना है, पोता पोता पोती नाती नतनी डैश डैश डैश। ठीक है, अगर कहिएगा कि तीन पीढ़ी आना है, तीन पीढ़ी में प्रश्न बहुत कम ही बनाता है, तो जैसे यहाँ देखिए ये बेटा हुआ पोता हुआ तो क्या हो जाएगा, पर पोता हो जाएगा, पर पोती हो जाएगी, पर नतनी ऐसे हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर यहाँ से एक स्टेप ऊपर गए यानी एक पीढ़ी ऊपर गए तो पिता माँ चाचा चाची मामा मामी हुआ, फिर दूसरका पीढ़ी में दादा दादी नाना नानी ऊपर की तरफ, और कहिए कि ऊपर के तीसरका पीढ़ी कौन आएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब है तीसरका पीढ़ी में जाइएगा तो परदादा हो जाएंगे, परदादी डैश 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 पर नाना पर नानी सब आ जाएंगे। दोस्तों, मात्र तीन दो पीढ़ी तक पूछता है ऊपर हो या नीचे। दोस्तों, अगर ऊपर की ओर जाना है तो आप ऊपर की तरफ तीर दीजिएगा, अगर अपने चलिए दोस्तों देखते हैं बेसिक। बेसिक क्या है, जो है उसे नोक पे रखें, जिसके बारे में पूछे उसे टेल पर रखते हैं। अगर रिलेशन पर जाना है तो उसको मध्य में लिखते हैं यानी बीच में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, बस एक और बात पर ध्यान हमेशा देना है, यही जो है नोट आपका, यही नोट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड रिलेशन में मैक्सिमम इसी के चलते प्रश्न गलती बना लेते हैं, जैसे पिता
को पुत्र और पुत्र पिता में रिलेशन बढ़ जाता है, क्या पुत्र होगा कि पिता होगा। देखिए हमेशा से जब प्रश्न लेना से को के में बदल देना है, से जो कहे ना से को आपको किस में बदलना है, के में बदल देना है। से अगर कहे ना से को हमेशा के में बदलना है। अब कैसे बदलाएगा हम आपको प्रश्न में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। प्रश्न हम निकालते हैं, प्रश्न में आपको इसको पूरा डिटेल समझाएंगे। देखिए दोस्तों प्रश्न जो है, प्रश्न देखिए जैसे एग्जांपल में ले लिए, ए बी की माँ है। दोस्तों हमेशा ए जो है ना ए आपको ध्यान देना है, पहले जो पूछे वहाँ इसको एक बार स्थाई कीजिए। ए जो है ना ए किसकी माँ है, ए जो है ना ए किसकी माँ है, बी की माँ है। दोस्तों तो यहाँ बी की कौन है, माँ है, तो माँ तो एक पीढ़ी ऊपर हो गई, तो इसके तीर के निशान ले गए यहाँ ऊपर की ओर रख दिए, ठीक है। ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। देखो दोस्तों माने ए जो है ना बी की माँ है, ए जो है ना ए बी की माँ है लेकिन बी जो है ना बी ए का पुत्र नहीं है। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान दें, गौर फरमाइएगा जरा, बी जो है ना बी एक ए जो है ना ए बी की माँ है, तो एक बात बताइए जब माँ है तो इस व्यक्ति का ई कौन होगा, क्या तो पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगी, है ना बात है, क्या तो पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगी। तो दोस्तों जब यहाँ कहा जाए बी ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र जब है ही नहीं, प्लस जब है ही नहीं, तो क्या माइनस होगा, यानी माइनस से हम डिनोट करते हैं स्त्री को और प्लस से डिनोट करते हैं पुरुष को। तो पुत्र जब है ही नहीं, पुरुष जब है ही नहीं, यानी स्त्री होगी, यानी इसका बेटी होगी। तो बताएं कि बी का ए से क्या संबंध है, बी का ए से। दोस्तों नोट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, से को के में बदलना है, से को के मतलब बी का ए से यानी ए के कौन है, ए के बी 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 यानी बेटी है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं बुक पे, एक डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं जो अजय चौहान बुक आज बताने जा रहा हूँ। अजय चौहान बुक का प्रश्न वन देखा जाए, वन चलिए दोस्तों देखिए जाए, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक नंबर प्रश्न कह रहा है आपका यानी प्रश्न संख्या एक क्या कह रहा है, ए ने बी से कहा। देखिए दोस्तों ए किससे कह रहा है, बी से कह रहा है, इसका अर्थ हुआ ए जो बोल रहा है तीर के निशान एकदम दंदनाना निकल रहा है, तब किस कौन सुना, तो बी ने सुना, ए ने बी से कहा यानी ए बोला, तीर के निशान डिनोट कर रहा है कि बी सुन रहा है, बी से कहा कि बी की माँ, देखिए दोस्तों बी की माँ तो एक पीढ़ी ऊपर बताया, तो एक पीढ़ी ऊपर यहाँ आ गए बी की माँ, ठीक है, बी की माँ एक की माँ की सास है। दोस्तों एक की माँ की कौन है, ये जो है सास है, यानी सास है तो इसका भी स्टेप ऊपर जाएगा, यानी सास है, ठीक है, ये सास है। देखिए बी की माँ एक की माँ की सास है। दोस्तों जब बी की माँ जो है एक की माँ की सास है तो इससे स्पष्ट है ये जो महिला है ये कौन होगी, पतो होगी यानी बहू होगी, इसका ये कौन है, माने बी की माँ जो है तो ये क्या था, पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगी। अच्छा ये जो है ये महिला के ये क्या होगी, पतो होगी, क्योंकि इसका जब ये सास है तो सास पतो के रिलेशन होता है, सास पतो के रिलेशन हुआ, ये महिला के ये कौन होगा, माने ये तो ये पतो हो गया। अच्छा अगर यही कहता इस महिला से इसका ये कौन लगता, तो माने ये पतो हुआ तो पतो के पुत्र या पुत्री, पोता या पोती होगा। तो कह रहा है प्रश्न, बताएं कि एक की माँ बी की माँ की कौन है, इसके इस औरत के कौन है, यानी सास पतो, सास जब इस औरत की सास है तो इसका ही कौन है, पतो होगा, पतोहू कहीं बोलते हैं बहू, ठीक है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर आंसर दो, देखिए दोस्तों अब दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दो नंबर प्रश्न देखिए, दो नंबर कह रहा है प्रश्न,
दो नंबर प्रश्न कह रहा है का, एक पुरुष एक औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है, मान लीजिए कि एक मैन है एक वोमेन है, ये पुरुष जो है मैन की ओर यानी एक पुरुष जो है औरत की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम्हारे इकलौता भाई, इस औरत के ना मात्र एक ही भाई है, भाई तो इसी पीढ़ी में आएगा, इकलौता भाई तो इस औरत की पीढ़ी में आएगा, इकलौता भाई की बहन इस लड़का के ही तो बहन रहेगी, एक इधर भी बहन हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इस भाई में अकेला है लेकिन बहन इतनी जरूरी नहीं है कि एक वो है, दो भी बहन हो सकता है, तीन भी बहन हो सकती है, लेकिन ये भाई में जो है अकेला है। ठीक है दोस्तों, बहन मेरी क्या है, माँ है, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, मेरी कौन है, मेरी माँ है। दोस्तों ये औरत जो है इस व्यक्ति के माँ है या मौसी है, यही ना बात है, माँ है तो क्या तो माँ बन से हो सकती है, नहीं तो मौसी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है, कह रहा है क्या, बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से, इस औरत का पुरुष के नानी से, तो नानी से इस औरत का यानी एक से एक स्टेप ऊपर, क्योंकि माँ ही है तो माँ एक स्टेप, इससे एक स्टेप ऊपर अगर जाते हैं यानी नानी यहाँ होगी, नानी होगी तो इधर मध में आ जाएगा ये व्यक्ति, तो नानी से, क्या समझ, देखिए दोस्तों यही जब बताया ना, नोट में लिखवाया था से को हमेशा के में बदलना है, तो नानी से यानी नानी के कौन है, इस बताएं कि इस उस औरत ये औरत इस पुरुष के नानी से यानी नानी के कौन है। दोस्तों ये जब ये माँ है, माँ नानी कब होगी, जब माँ के माँ हो यानी मामा के माँ हो, यही ना बात हो सकता है, तो इस औरत के ये कौन है, तो ये नानी से क्या संबंध है, तो देखिए तो क्या संबंध होगा, बेटी होगी, यही ना बात है, बेटी होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीन नंबर प्रश्न पे, तीन नंबर प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए, तीन नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तीन नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, तीन नंबर क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है ए बी और सी का भाई है, ए बी और सी का भाई है। देखिए दोस्तों भाई है तो प्लस यानी लड़का है तो प्लस, लड़की है तो माइनस। ठीक, ए बी और सी का भाई है तो ए का तो स्पष्ट हो गया कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक, लेकिन बी और सी का स्पष्ट नहीं है। ठीक, आगे देखिए डी सी की माँ है, डी जो है ना डी किसकी माँ है, सी की कौन है, माँ है, माँ के लिए लेडीज है इसलिए माइनस दे दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है क्या कि ई ए का पिता है, ई जो है ना ई किसका पिता, ए का पिता है, तो ई पिता है तो यानी प्लस, तो एक बात बता दोस्तों, जब ए जो है बी और सी का भाई है तो ए का ई तो बात स्पष्ट, ए का क्या तो भाई होगा नहीं तो बहन होगा दोनों, यहाँ पता चल रहा सी की माँ बी है और एक के पिता ई है तो ये दोनों क्या हो सकता है यानी पति पत्नी, बोले कोई डाउट, पति पत्नी हो सकते हैं। तो कह रहा है क्या, तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है, तो आपको ऑप्शन पर डिपेंड करेगा दोस्तों, ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, ऑप्शन बोल रहा है आपका कि ई बी का पिता है, देखिए दोस्तों ई जो है ई जो है ध्यान दीजिए इस पर, इसी से बन जाएगा, ई जो है बी का पिता है, ए का जब पिता है बी का सी का भी पिता होगा, तो क्या एक नंबर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन देखिए, ई बी का पति है, ई जो है ना ई बी का पति है, क्योंकि बी जो है स्त्री है, ई जो है पुल्लिंग है, इसका ये माँ है, इसका ए का ये पिता है यानी डी का पति है, ये भी सही है। तीन नंबर देखिए, ए डी का पुत्र है, ए जो है ना ए डी का पुत्र है, क्योंकि इसका लिंग पता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, प्लस से डिनोट किए हैं कि पुल्लिंग है तो पुत्र है, तो ये भी सही। चार नंबर कह रहा है क्या, कि बी ई
का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। देखिए दोस्तों, बी जो है ई का पुत्र है नहीं, क्योंकि इसका ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, अभी पता नहीं है कि पुल्लिंग है लड़का है कि लड़की है, तो पुत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि आपको इसको पुत्री भी बोल सकते हैं, इसलिए ये गलत है। पांच नंबर ऑप्शन देखिए, पांच नंबर का है बी ए की माँ है, बी जो है ना डी ए की माँ है, सही। सी के जब माँ है तो बी की भी माँ होगी, ए की भी माँ होगी, ये भी सही। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, चार नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पर, यानी अगला प्रश्न यानी चार नंबर प्रश्न पर। दोस्तों चार नंबर प्रश्न क्या कहता है, ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, चार नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, चार नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या, चार नंबर, एक महिला एक लड़के से एक लड़की के साथ कहीं जा रही है, रास्ते में उसे एक पुरुष मिला, उसने उसने उसी महिला से पूछा। देखिए इतना तक बकवास है, ठीक है, यह लड़का तुम्हारी साथ तुम्हारा कौन है। माने देखिए, एक लड़का एक औरत कहीं जा रही है और उसके बाद एक रास्ता में कोई एक आदमी भेटाया, पूछा कि लड़का तुम्हारा कौन है। तो देखिए लेडीज जो है यानी औरत जो है कैसे जवाब दे रही है, तो सुनिएगा। उसके बाद कहेगा, इसके उत्तर से, इसके उत्तर में महिला ने कहा, मैं मेरे मामा। देखिए दोस्तों पहले यहाँ बना लीजिए, यहाँ बनाइए पहले कौन, यानी औरत, औरत यहाँ हो गया लड़का, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि उत्तर दिया, मेरी मामा, मेरी मामा कौन बोला, औरत बोली, मेरी मामा, मेरी मामा, इसकी मामा के मामा आपस में भाई है। इसके मामा यानी इसकी औरत बोली इसके बारे में, मेरी मामा इसके मामा के मामा मामा आपस में क्या है, भाई है, यानी आपस में भाई है। कह रहा पुरुष पूछा कि तुम्हारे साथ जा रहा है ये लड़का, तुम्हारे साथ जा कौन है, तो औरत बोल रही है क्या, मेरे मामा यानी मेरे मामा, मेरे मामा इसके, इसके यानी लड़का के मामा आपस में दोनों भाई है। दोस्तों दोस्तों अब देखिए क्या प्रश्न बना रहा है, तो बताएं कि उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, यानी लड़का और महिला में संबंध बताना है आप, ठीक। तो जब ये दोनों व्यक्ति जो भाई हैं तो इसका ये क्या होगा, इसका ये क्या होगा, भगना होगा और इसका ये भी भगनी होगी, तो ये दोनों आपस में भाई होंगे, भाई बहन होंगे, भाई बहन, क्योंकि क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ अपना से सोचिए ना, यहाँ हम हैं, ये मेरे मामा है, ये मेरी माँ होगी, ये मेरी माँ होगी, जब मामा है तो मामा की बहन, जब है ये मामा है तो मामा की जब बहन होगी तब तो जाके माँ होगी। अच्छा, ये मामा के मामा और माँ के मामा दोनों भाई होंगे, बात तो बराबर है। तो बता कुछ रहे क्या, तो बताएं कि महिला का लड़के के साथ क्या संबंध, लड़के के साथ क्या संबंध है, यानी ये तो इकलौता नहीं औरत है, माँ भी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, तो भाभी और देवर, क्या देवर भाभी का रिलेशन है, नहीं। ऑप्शन बोल रहा है आपका कि भाभी और देवर एक में, तो एक जो है गलत हो गया। दो नंबर ऑप्शन देखिए, दो नंबर कह रहा है क्या, कह रहा है क्या, माँ और पुत्र, सही बात है, माँ और पुत्र हो सकता है, देखिए लेकिन है लगल संभावना व्यक्त हो रहा है, माँ और पुत्र, मौसी भी पुत्र हो सकता है, क्या तो रिलेशन होगा, माँ या मौसी, ठीक है, और पुत्र का, ठीक है, माँ या मौसी, तो इधर माँ है मौसी नहीं कहा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए पति पत्नी का तो होगा नहीं, चाची भतीजा का, चाची भतीजा का होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न संख्या पाँच, प्रश्न संख्या कितना है, पाँच। चलिए देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या पाँच पर ज़रा ध्यान दीजिए, पाँच नंबर देखिए आप स्क्रीन पे, आपका प्रश्न है पाँच नंबर देखिए, कह रहा है क्या, कमल का परिचय देते हुए महेश कहता है, कमल का, मान लीजिए कि यहाँ कमल है, कमल का परिचय करते हुए कौन कह रहा है, कमल का परिचय करते हुए महेश कहता है, यानी कमल का परिचय करते हुए महेश कहता है, उसके पिता यानी महेश बोला किसे, कमल से, उसके पिता यानी महेश के पिता, उसके पिता मेरे
मेरे पिता के एकमात्र इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिता के कौन है? इकलौता पुत्र हैं। मेरे पिता के इकलौता पुत्र हैं। तो बताएं कि महेश कमल से किस प्रकार से संबंधित है? कमल से यानी कमल के कौन महेश है? देखिए दोस्तों, आप प्रश्न समझिएगा। कह रहे का महेश जो है ना, माने कमल जो है ना, कमला का परिचय करते हुए कौन बोला? महेश बोलता है। ठीक, इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये लड़का के पिता जो है ना, एक लड़का के पिता मेरे पिता के इकलौता पुत्र हैं। दोस्तों, जब इस व्यक्ति के इकलौता पुत्र है तो ये भी एक व्यक्ति हो गया, यहाँ भी बन गया। क्या इकलौता मतलब एक होता है, तो यहाँ भी पुत्र, इसका पिता तो कोई पुत्र प्लस लड़का है। अच्छा, इसका पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी दोनों व्यक्ति का सेम हो गया। तो कह रहा है क्या, तो बताएं कि कमल के कौन है। तो ये भी यानी कमल के कौन है, तो पिता हो जाएगा। बताएं कि कमल महेश कमल से किस प्रकार संबंधित है, यानी पिता हो जाएगा। आंसर हो गया पिता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर, जरा 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न देखिए, CA के पिताजी का भतीजा है। CA के पिताजी का भतीजा है लेकिन DA का चचेरा भाई या बहन है। DA का चचेरा भाई या बहन, प्लस है कि माइनस, ये तो स्पष्ट नहीं किया, दोनों बोल दिया। लेकिन C का भाई नहीं है। तो बताएं कि D का C से यानी C के कौन है? तो भाई, जब भाई ही नहीं तो बहन होगी। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 7 नंबर प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर प्रश्न ठीक है दोस्तों, 7 नंबर देखिए, स्क्रीन पर आ गया होगा आपका। कह रहा है क्या, यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, यानी ए की माँ की पुत्री है, तो बताएं कि एक का बी से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, इसकी माँ जो है एक की माँ की पुत्री है, तो ये जो व्यक्ति ये पुत्री है, तो इसका भी माँ है, यानी भाई बहन। तो इसका जब ये पुत्र है तो इसका कौन लगेगा, इस एक व्यक्ति क्या संबंध होगा? तो मान लीजिए, तो कह रहा है बी ए का बी से सी बी के कौन है, ये तो ये माँ है, माँ के जब भाई है, यानी मामा क्या रिलेशन होगा, मामा। तो दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा आपको हम क्लियर करा